प्रदेश में भले ही योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लाख दावे कर रही हो, लेकिन आए दिन महिलाओं के साथ हो रही वारदातों के बाद इन दावों की पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। ताजा मामला एटा के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी का है, जहां एक नाबालिग किशोरी के साथ युवक ने दुष्कर्म किया। बताया जा रहा है कि कॉलोनी के बाहर बने ट्यूबवेल के पास से किशोरी बकरी लेने गई थी। इसी दौरान गांव के एक युवक ने किशोरी को जबरन ऑटो में ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वहीं किशोरी ने शोर मचाना शुरू कर दिया। वहीं जब किशोरी ने शोर मचाना शुरू किया तो कुछ दूरी पर खड़े परिजन शोर सुनकर ऑटो की तरफ दौड़े, लेकिन तब तक युवक ऑटो लेकर फरार हो गया। कुछ देर बाद परिजनों को किशोरी बदहवास हालत में कॉलोनी से दूर रोड के किनारे खेत में पड़ी मिली। किशोरी को ऐसी हालत में देखकर परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। किशोरी के होश में आने के बाद पीड़िता ने आप बीती सुनाई, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। ये हमारी बेटी बकरा चराने बकरा बना था, हमारा रोड के किनारे पुलिया के पास, तो हमने बेटी का बेटा बकरा फंडा, तो बेटी हमारी बकरा बनने माता ओटी लो आके हमारी बेटी जो जोती खींचा ओटी में डाल के ले गई, तो हमें पता चला कि तुम्हारी लड़की और लड़का उल्टे डाले ले गया, तो हम भजे उल्टे सीधे, तो जो हमारी बेटी बाउंड्री के पास पड़ी हुई मिली थी बेहोश हालत। कितने लोग थे? एक ही लोग थे। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और नाबालिग किशोरी को चिकित्सीय परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा। इसके साथ ही पुलिस ने पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। ये बीते दिन कोतवाली देहात में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना प्रकाश में आई थी। हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने तत्काल इसका संज्ञान लिया है और बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है, त्वरित गिरफ्तारी हुई है इसमें जो मुख्य अभियुक्त है, और हम उसे जो है रिमांड पर भेज रहे हैं। बहुत अच्छा काम। उधर कन्नौज जिले में एडीजे फर्स्ट कोर्ट ने नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म के दो अलग अलग मामलों में आरोपियों को सजा सुनाई। कोर्ट ने दुष्कर्म के मामलों में दो आरोपियों को 10-10 साल की सजा सुनाई, साथ ही कोर्ट ने आरोपियों पर 22,000 रुपए जुर्माना भी लगाया। वहीं सरकार की तरफ से पीड़ितों का मुकदमा लड़ रहे सरकारी वकील तरुण चंद्रा ने बताया कि पहला मामला सदर कोतवाली इलाके का है। यहां अपने घर जा रही 15 साल की नाबालिग लड़की को आरोपी ने गुमराह करके खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया था, जबकि दूसरा मामला इंदरगढ़ इलाके का है। यहां नाबालिग लड़की जब स्कूल से अपने घर जा रही थी तभी आरोपी ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आज विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट व प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री आरबी सरोज के द्वारा दो मामलों में सजा सुनाई गई है। दोनों ही मामले धारा 376 और पॉक्सो से संबंधित हैं। एक मामला थाना कोतवाली के अंतर्गत का है और दूसरा मामला थाना इंद्रगढ़ का है। थाना कोतवाली के एक गांव के एक वादी द्वारा एफआईआर लिखाई गई थी, उसकी नाबालिग लड़की जिसकी उम्र करीब 15 वर्ष थी, उसको 25/5/18 को सुबह के 10 बजे जब वो अपने गांव वापस आ रही थी पड़ोसी गांव से, उसी समय आरोपी उसको किसी बहाने से मक्के के खेत में ले गया था और वहां पे उसने उस पीड़िता के साथ जबरन बलात्कार किया था। इस मामले में आज इस आरोपी गंगाधर को 10 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई है, साथ ही इस पर 22,000 रुपए का जुर्माना आरोपित किया गया है। बता दें कि अलग अलग दुष्कर्म के दोनों मामलों में कोर्ट ने महज 1.5 साल के अंतराल में कार्रवाई करते हुए फैसला सुनाया। कोर्ट के इस फैसले के बाद दुष्कर्म पीड़ितों को राहत मिली। पंजाब केसरी टीवी के लिए एटा से संजीव आजाद और कन्नौज से नित्या मिश्रा की रिपोर्ट।